कॉफ़ी रेडी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बना रहे हैं कॉफ़ी। और पाकिस्तान में बहुत तरह की कॉफ़ी बनती हैं और मैं अपने स्टाइल की कॉफ़ी बना रही हूँ जो मैं रोज़ाना बनाती हूँ। और इसमें हमने डाले हैं 3 ग्लास ऑफ वाटर, डाले हैं छोटे साइज़ की जो कप के साइज़ का है। और इसके अंदर हम कॉफ़ी पत्ती डालेंगे, कॉफ़ी की जो पत्ती है तो ट्यूब ये डालेंगे, 2 टीस्पून पत्ती है कॉफ़ी वाली। और इसमें हम डालेंगे स्टिक सिनेमन, और पाउडर है तो अच्छी बात है पाउडर डालें, ये पिंच सा पाउडर है, 1 स्टिक सिनेमन है, कार्डमम है 3/4, एंड 1/2 टीस्पून है हमारे पास फनल सीड। और इसको हम पानी में डालेंगे। और आप चाहे कॉफ़ी मेकर में बनाएं या पॉट में बनाएं, एक ही जैसा जायका होगा। और इसमें अब हम डालेंगे 2 टीस्पून शुगर, और हमें शुगर हम कम पीते हैं, हम लोग कम इस्तेमाल करते हैं, आपका दिल चाहे तो आप ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कॉफ़ी बॉयल हो चुकी है, 10 मिनट्स लगे हैं बॉयल होने में। और इस हमने 3 कप्स वाटर डाला था इसलिए कि हम 1 कप मिल्क भी डालेंगे, और 1 कप हम इसी तरह ब्लैक कॉफ़ी निकालेंगे। और इसके अंदर फिर हम मिल्क डालेंगे पतीले के अंदर। हमने 1 कप निकाल लिया कॉफ़ी का, ब्लैक कॉफ़ी का, और इसमें अब हम डाल रहे हैं 1 कप मिल्क, छोटे वाला गिलास है। और जब ये बॉयल होगी तो हम कप में डालेंगे। हमने 3 मिनट्स लगाए जब मिल्क डाला, तो उसके बाद 3 मिनट्स में ये कुक हो गई, पक गई, और अब हम कप्स में डालेंगे। कॉफ़ी रेडी हो चुकी है और अब हम कप में डालेंगे। और खाने के बाद अगर ये कॉफ़ी पी जाए तो बहुत ही अच्छी है। जिनको गैस प्रॉब्लम होता है तो इस कॉफ़ी में फुनर सीड हैं, आप भी फुनर सीड डाल के हर खाने के बाद 1 कप पिएं तो आपको कोई गैस प्रॉब्लम नहीं होगा।